हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली रोजगार पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का आवेदन करने वाली प्रत्येक माताओं व बहनाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम लाडली बहना आवास योजना आवेदन फार्म भरने की स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेकर आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा है आवेदन फार्म आपको कहाँ से प्राप्त करना है, कैसे भरना है और कहाँ पर जमा कराना है, और आवेदन फार्म में आप सभी के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की गई है। इसलिए आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो पर बिना स्किप करे अंत तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी अपनी स्क्रीन पर शो हो रही इस तस्वीर के माध्यम से देख ही सकते होंगे, जो कि यह तस्वीर मुख्य रूप से श्री शिवराज सिंह चौहान जी के ट्विटर अकाउंट पर ऑफिशियल तौर पर जारी की गई है, जहां पर लिखा हुआ है कि बहनों के सुख और सम्मान के लिए एक और बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा सभी माताओं व बहनों की सुख और समृद्धि के लिए एक और काफ़ी बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जो कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी स्क्रीन पर देख ही सकते होंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा आज यानी कि 17 सितंबर 2023 प्रातः 10 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल से इस योजना का प्रारंभ होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, जैसे ही आज सुबह 10 बजे इस योजना का शुभारंभ हो जाएगा, उसके पश्चात सभी माताएं व बहनाएं इस योजना का आवेदन फार्म भर के इस योजना के तहत बिल्कुल मुफ्त में पक्का मकान प्राप्त कर सकती हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आपको इस योजना का एप्लीकेशन फार्म कहां से प्राप्त करना है और इसको कैसे भरना है और आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं। दोस्तों, आप सभी अपनी स्क्रीन पर शो हो रहे इस एप्लीकेशन फार्म को देख ही सकते होंगे, जो कि यह एप्लीकेशन फार्म आपको अपने ग्राम के सचिव या फिर सरपंच के द्वारा प्राप्त करना है और इसमें पूछी गई सभी जानकारियों को भरकर आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना है, उसके पश्चात जमा कर देना है, तभी आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो सभी महिलाएँ शहर से निवास करती हों, तो वह सभी जहां से आपने लाडली बहना योजना का एप्लीकेशन फार्म प्राप्त किया हुआ था, वहां से आप आज से इस आवेदन फार्म को प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस एप्लीकेशन फार्म को डाउनलोड करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई गई है, वहां से भी आप इस एप्लीकेशन फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर यह एप्लीकेशन फार्म देखने के लिए मिल जाएगा। तो भी आप इसका प्रिंट आउट निकालवा कर सचिव या सरपंच के पास जमा कर सकती हैं, तो भी आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का एप्लीकेशन फार्म कैसे भरना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन फार्म को देखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के लिए आवेदन पत्र लिखा देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको यहां से इस फार्म को भरना शुरू करना है। सभी महिलाओं से निवेदन है कि आप सभी इस आवेदन फार्म को ध्यानपूर्वक भरें, कोई भी यहां पर गलत जानकारियों को दर्ज ना करें और काटा पीटा ना करें, वरना आपका आवेदन फार्म निरस्त हो सकता है। आपको सही सही जानकारियों को भरना है और यहाँ पर कोई भी कड़ा पीटी नहीं करनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत यानी कि आपकी जो भी ग्राम पंचायत है, आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक साफ अक्षरों में दर्ज कर देना है। उसके पश्चात आपको यहाँ पर जनपद पंचायत को दर्ज करना है, आपकी जो भी जनपद पंचायत हो। उसके पश्चात आपको यहाँ पर जिला दर्ज कर देना है, आप जिस भी जिले में निवास करती हूँ। उसके अलावा दोस्तों, आपको पहले नंबर पर यहाँ पर आवेदक हितग्राही का नाम यानी कि जिस भी महिला का आप आवेदन पत्र भर रहे हो, आपको उस महिला का यहाँ पर पूरा नाम दर्ज कर देना है। उसके पश्चात दोस्तों, दूसरे नंबर पर आपको महिला की आयु यानी कि आपकी जो भी आयु है, आपको आधार कार्ड की यहाँ पर आयु दर्ज करनी है। आपके आधार कार्ड में जो भी आयु दी गई होगी, आपको वही आयु यहाँ पर दर्ज करनी है। तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर पिता या फिर पति का नाम, सभी विवाहित महिला ही होंगी इसलिए आपको यहाँ पर पिता का नाम नहीं दर्ज करना है, आपको यहाँ पर अपने पति का ही नाम दर्ज करना है। दोस्तों, चौथे नंबर पर आपको यहाँ पर जाति और यहाँ पर वर्ग, वर्ग यानी होता है OBC SC ST, आप जिस भी कास्ट से आते हो, तो यहाँ पर आपको अपनी जाति दर्ज कर देनी है। इसके पश्चात आपको यहाँ पर अपना वर्ग दर्ज कर देना है। इसके पश्चात पाँचवें नंबर पर दोस्तों, सभी महिलाओं के लिए यहाँ पर लिंग यानी कि आप फीमेल ही हैं यानी कि महिला हैं, तो आपको यहाँ पर वह दर्ज करना है। छठवें नंबर पर दोस्तों, परिवार की वार्षिक आय यानी कि आपकी वार्षिक आय यदि 12,000 रुपये से कम है, तभी आप इस योजना का आवेदन कर सकती हैं, इसलिए आपको यहाँ पर अपने वार्षिक आय की जानकारी को दर्ज कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर सातवें नंबर पर लिखा हुआ है कि परिवार में किसी भी सदस्य को पूर्व में आवास का लाभ प्राप्त हुआ है, तो आपको यहाँ पर हाँ या नहीं दो विकल्प देखने के लिए मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको नहीं वाले विकल्प पर टिक कर देना है। आपको यहाँ पर हाँ वाले विकल्प पर टिक नहीं करना है, वरना आपको इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आठवें नंबर पर यहाँ पर दी जाइए जानकारी कि परिवार का प्रकार सही का निशान लगाएं। आपका जो भी परिवार हो, आपका संयुक्त परिवार हो, तो आप इस पर टिक लगाएं। यदि आपका एकांकी परिवार है, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। दोस्तों, नौवें नंबर पर आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर दर्ज करना है। दसवें नंबर पर आपको यहाँ पर अपनी समग्र ID दर्ज करनी है। ग्यारहवें नंबर पर आपको यहाँ पर जॉब कार्ड नंबर दर्ज करना है। यदि आपके पास जॉब कार्ड नंबर हो, तभी आप इसको दर्ज करें, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं।
दोस्तों 12वें नंबर पर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना है। सभी माताओं व बहनों से निवेदन है कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड एवं बैंक खाते से लिंक हो एवं चालू हो, उसी मोबाइल नंबर पर आप यहाँ पर दर्ज करें। ऐसे ही किसी भी मोबाइल नंबर को यहाँ पर दर्ज ना कर दें। दोस्तों 13वें नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्तमान आवास की स्थिति, आपके पास अभी कौन सा घर है, शून्य रूम है या फिर एक रूम कच्चा है या फिर दो रूम कच्चा है, तो आप इस पर यहाँ पर टिक कर सकते हैं आपके पास जो भी अभी वर्तमान में आवास हो। दोस्तों 14वें नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिवार मुख्यमंत्री लाडली बहना का लाभार्थी है, तो आपको यहाँ पर पंजीयन क्रमांक यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर देना है। यदि आप नहीं हैं तो आप यहाँ पर नहीं भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसको छोड़ भी सकती हैं। दोस्तों इसके पश्चात आपको यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ, इस सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और उसके पश्चात आपने जिस भी दिनांक को फॉर्म भरा था आपको यहाँ पर दिनांक दर्ज करनी है। आप जिस भी स्थान में रहे तो आपको उस स्थान का नाम दर्ज करना है, यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर आपको करने हैं और यहाँ पर आवेदक का पूरा नाम दर्ज करना है। सभी माताओं व बहनों से निवेदन है कि आप यहाँ पर अंगूठा ना लगाएं, क्योंकि आपको यहाँ पर सिग्नेचर ही करने हैं यानी कि आपको हस्ताक्षर ही करने हैं। आप जैसे भी हस्ताक्षर करते बने आप वैसे हस्ताक्षर करें, यहाँ पर अंगूठा ना लगाएं। दोस्तों उसके पश्चात आपको इसको भरना है जहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के लिए प्राप्त आवेदनों की पात्र सूची, तो आपको यहाँ पर आवेदन का पूरा नाम लिख देना है, यहाँ पर आपको अपने गाँव का नाम, यहाँ पर ग्राम पंचायत और फार्म करने का दिनांक और यहाँ पर पावती दिनांक लिख देनी है। उसके पश्चात आपको यहाँ पर सचिव या फिर ग्राम रोजगार सहायक की हस्ताक्षर करवानी है, यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम, यहाँ पर जनपद पंचायत का नाम और यहाँ पर दिनांक लिख देनी है कि आपको किस दिनांक को इस फार्म को भरा हुआ है। दोस्तों उसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण है पावती, आपको पावती को अपने फाड़ कर जमा रख लेना है, आपके पास जमा कर लेना है। इस पावती को आपको किसी भी प्रकार से सचिव या सरपंच के पास जमा नहीं करना है, क्योंकि यह पावती आपके भविष्य में काफ़ी काम आएगी। इससे ही सुनिश्चित किया जाएगा कि आपने इस आवेदन फार्म को भरा है कि नहीं, तो इस पावती को आपको फाड़ कर अपने पास रख लेना है। तो आपको यहाँ पर पावती में दी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है, जहाँ पर आपको पहले यहाँ पर नाम, यहाँ पर ग्राम का नाम, यहाँ पर जनपद पंचायत, जिला पंचायत और दिनांक, सभी जानकारियों को दर्ज करते हुए यहाँ पर ग्राम के सचिव और ग्राम रोजगार सहायक से यहाँ पर हस्ताक्षर करवाने हैं। ग्राम पंचायत का नाम दर्ज करें, जनपद पंचायत का नाम दर्ज करें और इस पावती को फाड़ कर अपने पास भविष्य के काम के लिए सुनिश्चित रख लें और इस पावती को गुमाएं नहीं, क्योंकि यह पावती आपके काफ़ी काम आएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म बिना गलती किए भर सकती हैं और इसको अपने ग्राम के सचिव या सरपंच के पास जमा कर सकती हैं। तो कुछ ही दिनों के पश्चात एक सर्वे किया जाएगा और सर्वे के अनुसार जिन सभी माताओं व बहनों के आवेदन फार्म सही सही भरे होंगे उन सभी का नाम यहाँ पर मेरिट सूची में जोड़ा जाएगा और आप सभी के लिए जल्द ही आवास की राशि या फिर आवास का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।